पूछते रहते कि करने का सही टाइम कौन सा है, करने का मजा ज्यादा कब आएगा, तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करने का सही टाइम कौन सा है? तो ऐसा कोई सही टाइम, लोग बोलते कि संडे अच्छा है, मतलब दिन कौन सा अच्छा है, मंडे अच्छा है, सुबह अच्छा है कि दोपहर अच्छा है कि शाम को अच्छा है, ऐसा कोई सही टाइम है नहीं। हाँ, पूछेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो डेफिनेटली सही टाइम जो होता है वो सुबह का होता है। सुबह इसलिए है कि नींद अच्छी भी रहती है, मन शांत रहता है, स्ट्रेस लेवल कम रहती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहता है, झंझट झगड़े दिमाग में आते नहीं हैं, काफ़ी सारा मन शांत रहता है। ऐसे बहुत सारी बातें होती जिससे सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। मगर यदि आपको अर्जेंट करना है बिना प्रिपरेशन का, तो डेफिनेटली लूब्स हैंडी रखना जरूरी है। लुब्रिकेंट्स रखते हैं और उसका मसाज कर दे तो जल्दी इरेक्शन संभव है। आपको यदि करना ही है और उसमें अच्छा प्लेजर लाना है, तो डेफिनेटली आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसा आप डेटिंग के लिए टाइम करते हैं कि भाई मुझे मेरे गर्लफ्रेंड को मिलना है, ये समय पे मिलना है, तो जैसा उसके लिए टाइम जब डिसाइड करते हैं कि आज शाम को मिलना है, तो दिन भर कैसा आपका उत्साह बना रहता है ना, एक्साइटमेंट रहता है कि भाई आज शाम को मेरी डेट है। तो वैसे ही सेक्स का है कि आपको यदि प्लान किया हुआ है, आपको मालूम है, आपके पार्टनर को मालूम है कि आज रात को सेक्स करना है, तो डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट रहेगा। तो उसका प्लानिंग करो, डिस्कशन करो, पोजीशन डिस्कस करो, मेकअप करके आना है, ड्रेस कौन सा पहनना है, कौन सी जगह पे करना है। हो सकता है कि आप कभी बाहर गांव जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, अपने सिटी में होटल में जा कर रुक सकते हैं या दूसरे गाँव जा कर होटल में कर सकते हैं, जिससे आपका इन्जॉयमेंट बढ़ेगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। जिनको डायबिटीज़ है, सुबह करना बहुत अच्छा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छी रहती है। जिनको ऑफिस का बहुत सारा टेंशन है, सुबह से लेके 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ऑफिस में, घर आने तक 10 बज जाते हैं, थक जाते हैं, इससे बेटर है कि आप सुबह करो, और नहीं तो सैटरडे संडे करो। जो जिनको सैटरडे संडे करना है, मतलब जो आईटी में है, मंडे टू फ्राइडे भागो 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 रहता है, सुबह से रात को 8-9 बजे तक चालू है, काम है बहुत, दिमाग भिन्न हो जाता है, तो वो लोग प्लान करते कि भाई सैटरडे संडे करना है, और फिर सैटरडे संडे मतलब वीकेंड जो है ये वीकेंड पे करना है, तो वीकेंड पिल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लाइक टाडा लाफिल। फिर आप कभी भी करना है तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन का ख्याल रखना चाहिए, कंडोम हरदम रेडी रखना चाहिए, नहीं तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं किया और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो भी आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज टाइम बेस्ट इन द मॉर्निंग, सुबह। वीकेंड है तो डेफिनेटली वीकेंड टैबलेट लेके, ताकि आप बहुत सारा एंजॉय कर सकेंगे। और रात को यदि जाग आ जाती है, रात को नींद खुल जाती है और इरेक्शन है, जो स्पॉन्टेनियस या नॉक्चर्नल इरेक्शंस आते हैं, तो डेफिनेटली नाइट में भी आप, रात को भी आप चांस ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हैं। थैंक यू वेरी मच।